उधर देश के नामी संस्थानों में शुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के बीच कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि बिना सस्ती शिक्षा के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह उन्हें मंजूर नहीं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं यहां प्रदर्शन कर रहे एक छात्र का कहना है कि पिछले 15 दिनों से हम फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू में 40% छात्र गरीब परिवार से आते हैं। तो हॉस्टल की फीस बढ़ाने पर नाराज हैं छात्र और इसको लेकर जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा था। तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग पुलिस ने की है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। शिवेंद्र अमिताभ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में, फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए छात्र, फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो स्थिति है वो जेएनयू के जो छात्र थे उन्होंने फीस बढ़ोतरी के लिए पूरा प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद लगातार हंगामा जारी था जेएनयू कैंपस के बाहर। उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ने कई वहाँ के छात्र जो थे उनको हिरासत में लिया है और उनसे जो है हिरासत में ले जाके थाने में उनको बिठा रखा है। तो आज जो है दीक्षांत समारोह है और वेंकैया नायडू जो कि शरीक होने वाले हैं, इसके चलते वो लोग विरोध कर रहे थे कि हमारी फीस को घटाई जाए, लेकिन फीस में लगातार बढ़ोतरी के चलते ये लोग विरोध कर रहे थे और वाइस चांसलर का घेराव कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने जो है इन बच्चों को जो है एक जगह ले जाके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं लगातार, और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। जी शिवेंद्र, क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जेएनयू पहुंचे हैं और वो इस वक्त जेएनयू में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर एक फेलियर भी यहां पर कानून व्यवस्था का कहेंगे, पुलिस का कहेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए गए? जी बिल्कुल, इस कहीं ना कहीं पुलिस की खामियां तो है कि इस तरह की स्थिति से पहले ही इनको निपट जाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इस तरह की जो फीस को लेके मांगे थी इसको पहले ही निपट लेना चाहिए था। जिस तरह से स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी थी उनको भी चाहिए था कि इस पूरे मामले को लेके जो है गंभीर होना चाहिए था, लेकिन वो सब हुए नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे सड़क पर उतर आए और लगातार हंगामा कर रहे हैं। क्या किसी ने संज्ञान भी लिया है क्या छात्रों की जो मांग है वाइस चांसलर का किसी तरीके से, क्या या फिर यूं कहें कि जेएनयू प्रबंधन का कोई रिएक्शन इस पर आया हो? जी अभी तक तो बिल्कुल रिएक्शन किसी का नहीं आया है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे वो लोग रख रहे हैं बच्चे जो हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी प्रतिक्रिया स्कूल की तरफ से नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद फिलहाल जेएनयू में मौजूद हैं। दरअसल दीक्षांत समारोह में अतिथि के तौर पर वो शिरकत उन्हें करनी थी और वो यहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर छात्र उतर आए। तस्वीरें लगातार दिल्ली के जेएनयू की हम दिखा रहे हैं।